अगर आप मटन की कोई रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं जिसका स्वाद बहुत ही अनोखा हो, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए मटन डाक बंगलो, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने की रेसिपी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मिता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ऑथेंटिक आहार में। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक कंटेनर में ले लिया है 3 टेबलस्पून फिटी हुई दही। साथ ही यहाँ पर हम ले लेंगे 1/2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली पाउडर हम ले लेंगे 1 टीस्पून, नमक हम ले लेंगे 1/2 टीस्पून, सरसों का तेल हम ले लेंगे 2 टीस्पून। यहाँ पर ज़रूर डालें, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। और अब यहाँ पे मैं 850 ग्राम डाले हूँ मटन, इसे मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया था। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपको मिला लेना है। देखिए अच्छी तरह से आपको इसे कोट कर लेना है दही में, और इसे मैरिनेट कर देंगे हम कम से कम 2 से 3 घंटे, ताकि इसका रिजल्ट अच्छा आए। अब इसमें जो मसाले पड़ते हैं उनको मैं आपको बता देती हूँ। 1/2 टीस्पून आपको जीरा लेना है, 2 टीस्पून हम ले लेंगे धनिया के बीज, 2 लाल मिर्चें मैं यहाँ पर ले रही हूँ, साथ ही हम ले लेंगे काली मिर्च 1 टीस्पून, 5 से 6 हम ले लेंगे लौंग, और 7 इलायची ले लेंगे, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 दालचीनी के टुकड़े, 1 तेज पत्ते को तोड़ के डाल देंगे, साथ ही यहाँ पर 1/4 जायफल और 1 जावित्री के फूल को हम ले लेंगे। अब आपको इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से रोस्ट करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। याद रखें फ्लेम लो रखें, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगे और ये थोड़ी सी रोस्ट हो जाए, तो आपको इन्हें निकाल लेना है प्लेट पर और ठंडा कर लेना है। अब इसी कढ़ाई में मैं 1/2 कप डाल रही हूँ सरसों का तेल, और फ्लेम को लो रखें, और यहाँ पे 1/2 टीस्पून डालें हल्दी का पाउडर, और 1/2 टीस्पून हम डाल देंगे नमक, और इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। मटन डाक बंगलो में आलू भी पड़ते हैं, तो मैंने यहाँ पर 3 आलूओं को ले लिया है, इन्हें अच्छी तरह से छील कर धो लिया है, और अब इन्हें एक एक करके हमें तेल में डाल देना है और इसे पलटते हुए गोल्डन कर लेना है। याद रखें आपको आलूओं को ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे ही ये गोल्डन हो जाए इन्हें आपको तेल से निकाल लेना है, क्योंकि आपको इसे मटन के साथ भी पकाना है। तो देखिए ये गोल्डन हो चुके हैं, तो मैं इन्हें एक एक करके निकाल लूँगी और इसे अब हम साइड पे रखेंगे। अब हम यहाँ पर अंडों को भी फ्राई करेंगे। मैंने 3 उबले हुए अंडे ले लिए हैं, मैंने इन्हें प्रिक करके, या फिर आप चाहें तो कट लगा कर ही फ्राई करें, नहीं तो तेल में जाते ही फटने लगेंगे। और इन्हें आपको घुमाते हुए फ्राई कर लेना है जब तक कि गोल्डन नहीं हो जाते। आप अंडों को फ्राई करेंगे तो जब आप मटन के साथ इसे चलाएंगे ये टूटेंगे नहीं। ये तैयार हैं, तो मैं इन्हें साइड पे रख रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने मसाले ग्राइंड कर लिए हैं जिन्हें हमने रोस्ट किया था, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाऊंगी। अभी इसी तेल में हम 1/2 टीस्पून चीनी डाल देंगे, और चीनी के कैरामलाइज होते ही 1 तेज पत्ता डाल देंगे। यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून ले रही हूँ हींग, और साथ ही हम ले लेंगे रादूनी या फिर सेलरी सीड्स 1 टीस्पून। ये छोटी छोटी होती है, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। ये बंगाली स्पाइस के हिसाब से भी जाने जाते हैं। गैस का फ्लेम लो रखें, और इसे डालने के बाद हमें इसे थोड़ा सा चला लेना है। साथ ही हम यहाँ पर 1 बड़े प्याज को चॉप करके डाल देंगे, और इन्हें भी अच्छी तरह से आपको चला लेना है। आपको इन्हें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, जैसे ही ये थोड़े से सॉफ्ट होने लगे आपको डाल देना है 2.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और आपको अच्छी तरह से इसे प्याज के साथ चला लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पर, जब तक कि इसका कच्चा स्मेल ख़त्म नहीं हो जाता। याद रखें गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखें और इसे लगातार चलाते रहें। यहाँ पे मैं डाल दूंगी मटन को, जिसे मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। आप मटन को 2 से 3 घंटे अगर मैरिनेट करके रखेंगे तो इसका स्वाद अच्छा आएगा। अब आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से चला लेना है, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब यहाँ पे मटन का कलर चेंज हो गया है, तो डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च में ले रही हूँ 1 टीस्पून या फिर स्वाद अनुसार, और अब नमक भी हमको यहाँ पे डाल देना है स्वाद अनुसार। और अब इन सारी चीज़ों को आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते रहना है, ताकि इसका पानी निकल जाए। अब देखिए मैंने इसे कुछ समय चला लिया है, तो इसी स्टेज पे हम डाल देंगे टमाटर। 1 बड़े टमाटर को मैंने काट के रखा हुआ था, इसे भी डाल देंगे, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते रहेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं 2 साबुत हरी मिर्चें डाल रही हूँ, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। याद रखें हमने पहले भी लाल मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर डाल देंगे रोस्टेड मसाले को, जिसको मैंने पेस्ट करके रखा हुआ था, और इसे भी हमें अच्छी तरह से मटन के साथ चला लेना है। याद रखें गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है, और इसे अच्छी तरह से आपको चला लेना है लगातार, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी।
अब आपको गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर लेना है और इसे ढक के हमें पकाना है 25 मिनट तक। याद रखें गैस का फ्लेम लो कर लें, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। अब देखिए 25 मिनट बाद आपको ढक्कन हटा के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मटन लगभग 50-60% तक पक चुकी है। अब इसी स्टेज पे हमको यहाँ पे डाल देना है आलू, जिसे हमने फ्राई करके रखा हुआ है। क्योंकि ये आलू पूरी तरह से पके नहीं हैं, इन्हें हमें मटन के साथ भी चला लेना है। और इसे एक बार हम अच्छी तरह से मटन के साथ चला लेंगे। याद रखें गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा है और इसे ढककर 5 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, तो ढक्कन हटा के देख लेते हैं। यहाँ पर आलूओं को पकने में और थोड़ा टाइम लगेगा, तो एक बार आपको इसे अच्छी तरह से नीचे से चला लेना है, नहीं तो नीचे मसाले लग जाएंगे। अब इसी स्टेज पे हम डाल देंगे अंडे, और अंडों को भी आपको अच्छी तरह से मसाले के साथ और मटन के साथ चला लेना है, ताकि ये मसाला अंडों के अंदर तक जा सके और ये अच्छी तरह से इनके साथ पक सके। अब आपको गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है और इसे बीच बीच में लगातार चलाते रहना है। आपको ऐसा तब तक करना है जब तक कि मसाले में से पानी ख़त्म नहीं हो जाता और तेल और मसाला अलग नहीं हो जाता। देखिए इसे चलाते हुए बहुत समय हो गया है। आप देख सकते हैं कि तेल और मसाला अलग हो गया है और यहाँ पर पानी भी नहीं दिख रहा है। अब इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी 3/4 कप पानी। आपको अगर पानी नहीं डालना है तो ना डालें और इसे ढक ढक के पकाएं, लेकिन मैं यहाँ पर 3/4 कप पानी डाल रही हूँ। और एक बार पानी डालने के बाद मैंने मसाले के साथ इसे मिला लिया है और वापस से इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब 10 मिनट हो चुके हैं, तो ढक्कन हटा के देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि मटन पकी है कि नहीं। अगर मटन नहीं पकी है तो वापस से इसे ढक लें और 5-10 मिनट और पका लें मीडियम टू लो फ्लेम पर। मैं यहाँ पर मटन के एक पीस को ले रही हूँ और इसे काट के दिखा रही हूँ। देखिए ये पक चुकी है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 टीस्पून बटर, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1 टीस्पून घी डाल दें और इसे एक बार मिला लें। गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे ढककर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 5 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए मटन डाक बंगलो बनके तैयार है। इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक रहती है और इसे अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया जाता था वेस्ट बंगाल में, और इसे कुक बनाते थे मटन या चिकन के साथ, और इसमें डालते थे आलू और अंडा भी। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है नान या फिर लूची के साथ, जो कि मैदे की पूरी होती है। तो आप ज़रूर इसे बनाएं, इसका स्वाद बहुत ही अनोखा होता है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आप मुझे बताएं कि कैसी बनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।